नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने तहलका मचा रखा है। सबों के मन में बस यही सवाल है कि कोरोना वैक्सीन कब बनेगी और कब ये देश तक आ जाएगी, ताकि कोरोना से बढ़ते आंकड़ों पर रोकथाम लगाया जा सके। लेकिन अब इस बात का खुलासा हो गया है कि देश भर में कोरोना वैक्सीन कब आएगी, कब भारत कोरोना वैक्सीन के रेस में आगे निकलकर आ जाएगा और कब लोग कोरोना वायरस से बिना डरे आराम से और आसानी से अपनी जिंदगी को जी सकेंगे। तो आगे बने रहे हमारे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में बताया कि जुलाई अगस्त में भारत में 300 मिलियन कोरोना मामले और 5 से 6 मिलियन मौतों की बात कही गई थी। 135 करोड़ के इस देश में हम रोजाना 11 लाख टेस्ट करा रहे हैं। हमसे ज्यादा कुल 5 करोड़ टेस्ट अभी तक अमेरिका ने किए हैं। हम जल्द ही अमेरिका को टेस्टिंग के मामले में पीछे छोड़ देंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना मामले में सरकार ने बिल्कुल भी देरी नहीं की है। उन्होंने कहा कि 7 तारीख को WHO ने कोरोना वायरस का जिक्र किया और हमने 8 जनवरी से बैठक शुरू कर दी। इतिहास इस बात को लेकर पीएम मोदी को याद करेगा कि कैसे लगातार 8 महीनों तक उन्होंने कोरोना को लेकर हर एक्शन पर नजर रखी। उन्होंने सबकी सलाह ली। हमें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में पिछले 8 महीने से 8 जनवरी 2020 से हमारी सरकार व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम सरकार के बहुत सारे मंत्रालय, हम सब मिलकर इस कोविड के खिलाफ जंग में देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभागों के साथ लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं बहुत ईमानदारी और बहुत निष्पक्षता से ये कहना चाहता हूं कि पूरे 8 महीने के इस कार्यकाल में इस डिबेट को होने से पहले मुझे कभी इस बात का एहसास या अनुभूति नहीं हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश, सारे मुख्यमंत्री, सारे स्वास्थ्य मंत्री, सारे अधिकारी और सारा समाज मिलकर इस कोविड की लड़ाई को लड़ रहा है। पहले भी शायद, मैं समझता हूं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा इतना इनोवेटिव तरीका। प्रधानमंत्री जी ने देश के मन को देखा, देश की जो संकल्प को मजबूत करने के लिए, देश को आइडिया देने के लिए उन्होंने कहा नहीं कि लॉकडाउन 2 दिन के बाद होगा, लेकिन देश को 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के माध्यम से आगाह किया और देखा कि सारा देश क्या इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार है, कि वो क्या घरों के अंदर रह सकता है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था और इस ऐतिहासिक फैसले के कारण सारा देश कोविड के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको लड़ना एक प्रकार से सीखे। समय समय पर लगातार पहले लॉकडाउन के 4 चरण और बाद में अब अनलॉक के 4 चरण और इसके बीच में जो लोगों को तकलीफें आ सकती थी उनका एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी आवागाही सब जगह पर किस प्रकार से स्मूथली चल सकती है, क्या आप सोच सकते हैं कि इस कोविड के दौरान भी, कोविड के इतने बड़े खतरे को साथ लेकर जब चल रहे थे लोग, उस परिस्थिति में भी 64 लाख जो है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रेन्स के माध्यम से, हमारे रेल मंत्रालय ने बसों के माध्यम से जो है अपने अपने स्टेट्स के अंदर भेजा। प्लीज, आज कल कौलची सीन के बारे में बात किया है, इसका भी बहुत ही नैरो थेरेप्यूटिक विंडो है और हाई रेट ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली हाई डोजेज में। तो ये जो दवाइयां हैं इनके संदर्भ में अगर बहुत सारी डिटेल्ड जानकारी रिसर्च के संदर्भ में जो भी आपको अगर लेनी है, वैक्सीन्स के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, तो पहले ही दिन से वैक्सीन जो लोग बना सकते हैं, वैक्सीन पे जो लोग काम कर सकते हैं, उसके लिए हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय
और उसके लिए हमारा जो ICMR है उसके लिए ड्रग कंपनीज सब मिलकर और उसके लिए सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट देते हुए और इस विषय को भी प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं। आज भी जो है हमारी स्थिति यह है कि जो वैक्सीन्स आने वाले समय में आ सकती हैं, किस समय आ सकती हैं, देश में किसको देना है, उसके लिए हाई लेवल पर एक्सपर्ट ग्रुप्स सब प्रकार की चर्चा करके 10 स्टेप की आगे की तैयारी सोचकर हर चीज़ जो है विस्तार के साथ प्लान हो रही है। सर, हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है, एडवांस्ड इसके संदर्भ में प्लानिंग है। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन से और दुनिया के अंदर भी जो जॉइंट प्रयास हो रहा है उसके साथ भी हम सबका कोऑर्डिनेशन है।